नव भारत किसान यूनियन की मासिक बैठक गन्ना दफ्तर में जिला अध्यक्ष शोएब रायन की अध्यक्षता में आयोजित की गई तथा नव भारतीय किसान संगठन की वर्षगांठ बहुत ही हर्षोल्लास से केक काटकर और मिठाई बांटकर मनाई गई। साथ ही सभी के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई थी। जिला अध्यक्ष शोएब रायन ने बताया कि उन्होंने 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया गया था, जिस पर प्रशासन ने अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। इस कारण प्रशासन को पुनः 8 सूत्री मांग पत्र दिया गया है। अगर अब भी प्रशासन नहीं चेतता है तो संगठन धरना प्रदर्शन को बाध्य होगा। उन्होंने कामना की 2021 में देश कोरोना मुक्त हो जाए। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव सुखराम सिंह रावत, प्रदेश महामंत्री मोहम्मद शमीम, युवा जिला अध्यक्ष आफ्ताब अंसारी, जिला प्रभारी आफ्ताब आलम, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेट्टी चौधरी, जिला महासचिव विमल सिंह रावत, विधिक सलाहकार देश दीपक तिवारी, जिला उपाध्यक्ष उस्मान रायन, जिला सचिव बाबू खान वारसी, जिला संगठन मंत्री निशा टोपी, जिला मंत्री इस्लामुद्दीन, समाज सेवी रंजीत मोहन शुक्ला, अनीता तिवारी, सलमा नाजरीन, रानी मुन्नी देवी, जमुना प्रसाद आदि लोग उपस्थित रहे। ये थे आशीष वर्मा की खास रिपोर्ट। मतलब करते हैं इस वजह से कि हमारे यहाँ किसान अगर कोई आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ प्रशासन हो या सरकार द्वारा मुकदमा, मतलब सबसे बड़ी चीज उसमें मर्द ये बन जाते हैं, बाकी इनकी मर्दानगी चली जाती है कि किसानों का ये काम कर दे, जो किसानों की समस्याएं हैं उनका समाधान कर दे, उसमें इनकी नानी मर जाती है। बाकी ये है कि केवल अगर किसान अपनी मांगों को लेकर के, अपनी मांगे पूरी करने के लिए अपना मतलब फरियादी जब फरियाद लेकर के आता है अधिकारियों के पास में या किसान संगठन के पास में, किसान संगठन अपना ज्ञापन देते हैं, उसको काम करने में इनकी नानी मरती है। बाकी जो सैलरी केवल फ्री की पा रहे हैं, सरकार तो इतनी तानाशाह हो गई है कि किसानों की कोई भी सुनवाई कहीं पर नहीं की जा रही है। दिल्ली में हमारे भाई जितने बैठे हुए हैं तो समझ लीजिए, इस मौसम में अगर ये अधिकारी बहुत बड़े मर्द हैं या सरकार के बहुत बड़े, अगर ये मतलब जो ने सरकार के जो प्रधानमंत्री जी हमारे जो हैं, एक रात केवल उसी खुले मैदान में जरा आकर के किसानों के बीच बैठ के दिखा दे। मैं किसान यूनियन की, ये जो राजनीतिक संगठन हमारा है, इसी दिन से मैं त्याग पत्र दे दूंगा अगर ये एक रात केवल किसानों के बीच खुले आसमान में केवल बैठ के दिखा दे। जिस हिसाब से हमारा किसान भाई वहाँ बैठा है, दर्जनों की तादाद में किसान मर गया है, उनकी कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। सरकार ये जो बिल लेके आई है कृषक विरोधी, जिसको काला बिल कहा जा रहा है, तो आपका संगठन इसके विरोध में क्या रणनीति अपना रहा? भाई हमारा संगठन तो हमेशा इसकी लड़ाई लड़ता चला आया है। हमारे राष्ट्रीय महासचिव सुखराम रावत जी भी मौजूद है, हमारे राष्ट्र के लखनऊ से पदाधिकारी हमारे सभी गए हुए थे दिल्ली, मगर सरकार केवल तानाशाही के अलावा तानाशाह हो गई है। तानाशाह इतनी है कि किसान का काम नहीं करना चाहती है। बाकी रही बिल की बात, तो अध्यादेश उनको वापस लेना पड़ेगा। किसी भी हाल में, चाहे जैसे हो, चाहे सुख में हो, चाहे दुख में हो, इनको वापस लेना पड़ेगा। अभी तो ये लड़ाई केवल वहीं पे चल रही है, यहाँ पे गन्ना संस्थान में, जिलों में चल रही है। ये लड़ाई जिस दिन गांव-गांव गांव-गांव कस्बों में अगर पहुंच गए, शहर के हर कोने में, हर जिले में, ये समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा सैलाब आएगा, बहुत बड़ा तूफान आएगा। ये सरकार को जवाब तो जब दिया जाएगा सन 2022 के चुनाव में, इनको हम मुंह तोड़ किसान भाई जवाब देंगे। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, भारतीय किसान संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।